Subscribe KS Educational Hub channel and click on bell icon to receive notification from the channel. Subscribe because it's free and the adaptive way of learning. Hello, my dear friends. I'm Kumar Supraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. Today we are with the puzzle with three variables and we will see that how to solve this type of puzzle in your SBI. So, your question is this, and I want that first of all you must solve with yourself, and later on we will see the approach and the answer of this puzzle. So you must pause this video and start solving this puzzle. Okay, I hope that you once again played this video, and we will go to the approach and the solution of this puzzle. Hello and welcome back, my dear friends. I already provided you this puzzle and I hope that many of you already solved this. मैंने ये question आपको provide कर दिया है और मैं ये hope करता हूँ कि आप सब में से काफ़ी ने इसे इस puzzle को बना लिया होगा. But आपका एक सही approach आपके exam में 1 से 2 मिनट ज़रूर save कर सकता है. तो इस पज़ल को बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए, आज हम उस पर ही बात करने वाले हैं. तो चलिए हम सब इस पज़ल को बनाने का अप्रोच देखते हैं. लेकिन आप अगर इस पज़ल को बनाने का अप्रोच पूरा देखेंगे और इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है. तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस अप्रोच को समझें और ऐसे पज़ल्स को इसी तरीके से बनाने का कोशिश करें. जैसे कि आपको पता है 7 पर्सन है और वो लोग 7 सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं और 7 कलर दिया हुआ था और उनका वीक स्टार्टिंग था स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. आपको अगर वीक मालूम होना चाहिए वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है. अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस क्वेश्चंस में मंडे से स्टार्ट करते हैं. डे अपना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. तो ये फ़ायदा हो जाता है अगर स्टार्टिंग बताया जाता है तो. और अब इस क्वेश्चन में जैसे आपको मेंशन था सब्जेक्ट है, ठीक है, कलर्स है आपका और पर्सन है आपका. ठीक है, ये हम लोग स्पेस रख लेते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और इस साइड भी कुछ अगर स्पेस रहता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कुछ इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखा था. क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बस मैं अपने सामने क्वेश्चन रखने के लिए कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ हूँ. तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन में पहला दिया हुआ था पॉइंट, बी लाइक्स ग्रीन कलर एंड टीच ऑन द 4th डे बट नीदर संस्कृत नॉर इंग्लिश. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर पॉइंट कुछ हमें दिया हुआ है तो हमें इसका शॉर्टकट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है. आप डायरेक्टली इनिशिएट कर जाइए. ठीक है, जैसे बी लाइक्स 4th डे ऑफ द वीक, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो पर्सन हमारा बी हो गया एंड लाइक्स कलर ग्रीन. ठीक है, एंड नीदर सब्जेक्ट संस्कृत और इंग्लिश, तो हमारा संस्कृत और इंग्लिश नहीं लाइक करता है ये, तो ये हमने बना लिया. दूसरा पॉइंट हमारा था 2% टीच बिटवीन बी एंड एफ एंड नीदर ऑफ देम ऑन द 1st डे ऑफ द वीक, तो 1st डे बी और एफ तो 1st डे में हो नहीं सकता है. मतलब ये डन हो गया हमारा कि बी और एफ, तो एफ नीचे ही होगा. ठीक है, 3rd पॉइंट था 1% बिटवीन ए एंड सी एंड सी डज नॉट टीच ऑन द 1st और 3rd डे ऑफ द वीक. मतलब ए और सी के बीच में एक है पर्सन, लेकिन सी 3rd और 1st पे नहीं है. तो मतलब 1st और 3rd पे अगर नहीं है तो सी कहाँ हो सकता है, ट्यूसडे में हो सकता है या फिर आपका फ्राइडे या सैटरडे में हो सकता है. ठीक है, तो देखते हैं
इसका शॉर्टकट बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इस स्टेप को इम्प्लीमेंट ही डायरेक्टली करते हुए चलें। मतलब सी सी हमारा अगर यहाँ होता है तो ए और सी के बीच में 1% है, मतलब सी यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी आ जा रहा है ना, ए नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग सी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों के पास स्पेस हो रहा है, हाँ हो सकता है सी यहाँ पे भी नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ बी यहाँ आ जाता है 1% है, तो मतलब ये डन हो गया कि सी हमारा यहाँ होगा और ए हमारा यहाँ होगा। ठीक है, सी लाइक्स येलो कलर, तो सी आपका येलो कलर हो गया। एंड टीचर संस्कृत, सब्जेक्ट में आपका संस्कृत हो गया। तो एक देखिए संस्कृत यहाँ मेंशन था, इसको हटा देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ओके, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑन द लास्ट डे, ये डन है कि हिस्ट्री अपना लास्ट डे में होगा। वीक एंड लाइक्स रेड कलर, कलर भी इसका दिया हुआ है कि रेड कलर होगा। फिफ्थ पॉइंट है अपना, डी डज नॉट टीच ऑन दी डे इधर इमिडिएटली बिफोर और इमिडिएटली आफ्टर ऑफ ए, मतलब ना ही ए से पहले ना ही ए के तुरंत बाद ये हो सकता है। ए से पहले कि ये ट्यूसडे है, मतलब डी हमारा पॉसिबल है कि यहाँ हो सकता है या डी अपना यहाँ हो सकता है, दो जगह पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हु डज नॉट, कौन, डी, डी डज नॉट लाइक ब्राउन, सॉरी टीच इधर डिमेरिट बिफोर बाई दी ए, सॉरी हु ए के लिए दिया हुआ है। ए डज नॉट लाइक ब्राउन वाइट और ब्लैक कलर, ए हमारा ना ही ब्राउन है ना ही वाइट है ना ही ब्लैक है, तो ये हमने लिख लिया। जी इट इज इमीडिएट आफ्टर सी, सी के ठीक इमीडिएट आफ्टर जी है एंड लाइक्स वाइट, वाइट कलर हो गया ये। ओके, ई डज नॉट लाइक ब्राउन कलर एंड टीचेस हिंदी, ठीक है। तो डी अगर देखिए हमारा यहाँ नहीं हो सकता, तो डी डन हो गया अपना यहाँ होगा, और एक कौन सा बचा हुआ है, बस ई बचा हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, ई डज नॉट लाइक ब्राउन कलर, तो ब्राउन हमारा यहाँ भी नहीं होगा। अगर ब्राउन यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा तो मतलब डन है कि ब्राउन आपका यहाँ या फिर ओके दो जगह पे, तो मतलब ब्राउन अपना हो गया कि ब्राउन यहाँ पे ही होगा। ओके, ब्राउन कलर एंड टीचर्स हिंदी, और ई अपना सब्जेक्ट हिंदी में है। ओके, ए डज नॉट टीच इधर इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ए इकोनॉमिक्स और सिविक्स नहीं है, मतलब इको और सिविक्स यहाँ नहीं होगा। ठीक है, जियोग्राफी इमीडिएट आफ्टर संस्कृत, तो संस्कृत अपना यहाँ था तो मतलब इमीडिएट आफ्टर जियोग्राफी यहाँ हो गया। इंग्लिश इज इमीडिएट आफ्टर हिंदी, हिंदी के इमीडिएट आफ्टर इंग्लिश हो गया। ठीक है, इस तरह से अपना ये हो गया। सब्जेक्ट आपका दो इकोनॉमिक्स और सिविक्स के लिए हम लोगों को कहीं भी कुछ नहीं मिला, तो ये कन्फ्यूज़न है कि इकोनॉमिक्स यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स का हमें जगह पता नहीं चल पाया। ओके, कलर में देखिए वाइट और ब्लैक बचा हुआ है, वाइट अगर यहाँ होगा नहीं और वाइट यहाँ हो चुका है, ओके, ब्लैक अगर यहाँ पे होगा नहीं तो मतलब ब्लैक आपका यहाँ हो गया। कलर एक कोई बच रहा है, शायद ये पिंक नहीं हुआ, यस एग्जैक्टली पिंक नहीं हुआ, तो पिंक अपना यहाँ हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए कि सारा अरेंजमेंट हम लोग इसका बैठा दिए और बिना कोई शॉर्टकट बनाया ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम स्टार्टिंग में पढ़े तो मुझे इनिशिएट करने के लिए पॉइंट मिल गया, और जब मुझे पॉइंट मिल जाए तो मैं उस क्वेश्चन में शॉर्टकट बनाने से ज़्यादा बेटर है कि इनिशिएट करते हुए ही चलना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आई थिंक 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट लगना चाहिए, और बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो ये अप्रोच रियलिटी में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब इसमें आप माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं कि आप स्टेप्स को माइंड में ही इम्प्लीमेंट करके और उससे आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस का ऐसे ही सॉल्यूशन करना चाहिए, ऐसे पजल्स का, और डेफिनेटली ऐसा सॉल्यूशन में आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा, जो हमारा अप्रोच है, अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि मैं और आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या और सुधार करूँ, यू नो व्हाट्स द इम्प्रूवमेंट शुड आई डू।
तो आप ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक एक ना कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं बताते हैं तो मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँगा। और मैं कुछ इम्प्रूव इन द सेंस कुछ आपके लिए कुछ ऐसा नया चीज़ करूँ, तो आप उसके लिए फीडबैक ज़रूर दें। तो मेरे दोस्तों, माई डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट पज़ल, समथिंग डिफरेंट विद सम डिफरेंट अप्रोच। एंड माई ओनली फोकस इज़ टू शेयर माई नॉलेज, और मेरी जो अंदर की ये इच्छा है कि मैं आप लोगों को ऐसा टफ से टफ सिचुएशन में भी बहुत ईजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, माई ओनली इंटेंट इज़ टू शेयर माई व्यूज़ विथ यू गाइज़, टू सॉल्व एनी टिपिकल पजल विदाउट एनी हेजिटेशन, और इन वेरी स्टिपुलेटेड टाइम और इन वेरी लेस टाइम। सो आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड डू कमेंट एंड डू लाइक।